हेलो फ्रेंड्स धनश्री केक्स हिंदी में आपका स्वागत है यहाँ हम आज चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने जा रहे हैं इसलिए मैंने एक, एक कप चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है रेडीमेड प्रीमिक्स मिलता है मार्केट में आ, बाद में एक ऑयल लिया है टू टेबल स्पून और यहाँ मैंने, मैंने लाइसेंस भी लिया है और एक और खाली बाउल लिया है उसमें 200 ग्राम प्रीमिक्स चॉकलेट का लिया है और बाद में उसमें ऑयल ऐड करने वाली हूँ और टू टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है तो हाफ के जी का केक स्पॉन्ज बनाने जा रहे हैं हम Uh, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा हैनी लाइसेंस ऐड uh, किया है और बाद में थोड़ा थोड़ा पानी करके ओ, बैटर मिक्स करने वाले हैं बैटर एक साइड से ही ओ, फेट लेना है ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं तो ऐसा देख सकते हैं बहुत अच्छा अपना स्पॉन्ज बना बनने वाला है तो मेरा बैटर ये रेडी हो गया है ऐसा कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर ओ, बनाना है तो यहाँ मैंने सिक्स इंच का केक टिन लिया है आ, उसमें बटर पेपर फिल करके आ, साइड ज, साइड में ऑयल ग्रीस किया है और बाद में उसमें मैं ये जो बैटर है उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ देख सकते हैं आप तो ये जो टिन है वो टैप करना है तो उसको एयर बबल्स निकल जाएंगे और जो आ, बेस है वो ऐसा एक स्पॉन्ज अच्छा हो जाएगा तो यहाँ मैंने जो ओवन है माइक्रोवेव है मेरा वो कन्वेक्शन मोड में प्रीहीट किया है टेन मिनट ए वन एटी डिग्री पे और बाद में ये पच्चीस मिनट बेक होने में लग जाएगा देख सकते हैं जीरो एडजस्ट करने के बाद ये पच्चीस मिनट तक बेक हो जाएगा अपना केक स्पॉन्ज बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बनता है ये इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा तो जरूर ट्राई कीजिएगा तो देख सकते हैं मैंने जो बेस है वो स्पंज स्प रेडी करने को रखा है और ये 25 मिनट के बाद रेडी हो जाएगा देख सकते हैं और आवर बेस इज रेडी हो गया है चेक की करना है उसमें एक टूथपिक इंसर्ट करना है टूथपिक क्लीन आई तो अपना जो बेस है वो रेडी हो गया है समझ लेना और ठंडा होने के बाद ही आइसिंग करना है तो हमारा बेस रेडी हो गया है देख सकते हैं। हमारा बेस रेडी हो गया है उसमें टूथपिक इंसर्ट करना है और टूथपिक क्लीन आई तो हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया है कहीं भी डोम शेप नहीं आया बहुत अच्छा अपना स्पॉन्ज हो गया है देख सकते हैं तो बहुत क्लीन आई है टूथपिक तो बेस आवर रेडी हो गया है शेप भी नहीं आया और वो ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे तो देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है और बाद में जो एजेस है उस उससे नाइफ से क्लीन करेंगे और बाद में डीमोल्ड करके लेंगे डीमोल्ड किया है वो बटर पेपर है वो भी निकालेंगे बहुत अच्छा स्पॉन्ज हो गया है रेडी भी हो गया है अभी ये स्पॉन्ज ठंडा होने के बाद ही आइसिंग करना है हमारा स्पॉन्ज इज रेडी हो गया है आ, तो देख सकते हैं कहीं भी डोम शेप नहीं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक बाय